शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जहां पर पीपल के पेड़ के नीचे लेटकर बीमार लोग पीपल से ऑक्सीजन मिलने की उड़ रही अफवाह। अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन ना मिलने पर लोग ले रहे पीपल के पेड़ का सहारा। मौके पर बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा पहुंचे। वहीं बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलाव बताया। चरपत शाहजहांपुर के थाना तिलहार के गैसारा रोड का यह मोरा मामला बताया जा रहा। एक बार फिर आपको बता दें, रूबरू करा दें कि पीपल के पेड़ के नीचे बीमार लोग लेटे पड़े हुए, पीपल से ऑक्सीजन मिलने की उड़ रही अफवाह और अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन ना मिलने पर लोग पीपल का पेड़ का ले रहे सहारा। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं मोहम्मद इरफान खान की खास रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं, लेकिन लोग जमीन में पीपल के नीचे पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मुझे हमारे कार्यकर्ता हैं सजीत गुप्ता, इन्होंने सूचना दी मुझे कि तिलहर में गैसरा रोड पर 5-7 लोग ऑक्सीजन बुझा जी एक लोग गए, इनको भर्ती नहीं किया गया। यहाँ पे पीपल पेड़ नीचे पड़े हैं। मैंने तुरंत रास्ते में फ़ोन लगाते हुए डीएम को, सीएमओ को और माननीय स्वतंत्र देव हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया और मैं गाड़ी से चलता रहा और फ़ोन करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैंने देखा कि कुछ लोग, तो ये जानकारी मिली 7-8 लोग थे, कुछ लोग डर के मारे इसलिए भाग गए कि जब भी ये अस्पताल गए CHC तिलहर वालों ने कह दिया कि शाहजहांपुर जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। जैसा इन्होंने जो हमारे जो मरीज हैं इन्होंने बताया, जब इन्हें कहीं सुविधा नहीं मिली तो आके पीपल पेड़ नीचे लेट गए। मैंने अध्यक्ष जी से बात की, देखिए इसमें कहीं न कहीं हमारे अधिकारी कर्मचारियों की ज़रूर लापरवाही है और उनके ऊपर कार्रवाई भी कराएं, हमारी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं अधिकारी कर्मचारी इसको अनदेखा कर रहे हैं। पीपल के नीचे किए हुए लेटने की क्या वजह बता रहे हैं लोग? पीपल के नीचे जब इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये बेचारे गांव के पीपल नीचे बताया गया कि ऑक्सीजन मिलती, उसके सहारे यहाँ लेटे हुए। ये भी पता लगा ये 4 दिन से हैं, 4 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं ये लोग। जंगल रात इन्होंने काटी। मैंने DM से बात की, मैं इसलिए आया हूँ जो लोग भाग गए उनकी तलाश की जाएगी, क्योंकि वो डर के मारे अस्पताल भाग गए जब वो उनने समझा जब दवाई इलाज है नहीं। जो लोग यहाँ बचे हैं इन्हें कोविड अस्पताल में जांच करा के भर्ती कराएंगे और जो भी होगा उपचार इनका इलाज जो है शुरू कराएंगे। अधिकारी के लिए कुछ शासन को लिखेंगे जो जिम्मेदारी? बिल्कुल, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जो भी अधिकारी कर्मचारी इनसे संबंधित है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी कोई भी दोबारा कहीं भी हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना ना घटित हो। मंत्री तो लगातार दावे कर रहे हैं कि शाहजहांपुर में गैस की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी है, फिर आखिर हालत क्यों ऐसी है? देखिए ये बात सही है, मंत्री जी दावा कर रहे हैं लोगों को ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत, ज़्यादा मरीज हैं, उतनी पर्याप्त तो नहीं मिल पा रही है जितनी लोगों को ज़रूरत है। और मैं ज़्यादा मंत्री जी के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने आज ही जैसे ये सूचना मिली मैंने फ़ोन मिलाया, हो सकता बिजी हों लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। देखिए मैं तो जैसे हमारी मंत्री जी से बात होती है मैं इनसे बात करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि हमारे शाहजहांपुर की स्थिति बहुत ख़राब है, इसको सुधारने का काम करें, मैं उनसे विनती ही कर सकता हूं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना।